नमस्कार दोस्तों अम्बेसरस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है वो एटीएम इंश्योरेंस को लेकर के बनाई गई हुई है क्योंकि कई सारी एटीएम हैं जो कहते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस करके भी देते हैं और मेंटेनेंस करके भी देंगे लेकिन उसके बदले वो आपसे सात सौ आठ सौ ट्रांजेक्शन का जो है चार्ज वसूलते हैं अगर हिसाब मिलाया जाए तो वो महीने का दस हज़ार रुपये एक आता है वैसे आठ हज़ार रुपये आएगा महीने का बट आप मिलाएँगे तो आ, दस हज़ार रुपये एक महीने का होता है सर्विस चार्ज के नाम पे कंपनी आपसे लेती है और लेकिन आ, टाटा कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती ऑलरेडी एक मशीन का इंश्योरेंस होता है इनकेस अगर मशीन कोई उखाड़ करके ले जाता है तो कंपनी उसका रिकवरी करा सकती है आपके पैसों की कोई रिकवरी नहीं होती है उसमें और आपके यू बैटरी इन सब का कोई रिकवरी नहीं होता है तो कंपनी ने सिर्फ मशीन मशीन का इंश्योरेंस कराया तो अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आज हम बताएंगे दो चार कंपनियों के नाम जिनके ज़रिए आप जो है क्या क्या उसमें कवरेज होता है इंश्योरेंस में आ, उसके बारे में ही बताएंगे और किस टाइप का वो इंश्योरेंस होता है वो आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं हालांकि ये वीडियो मेरी थोड़ी सी नई है तो कृपया इसको ज़रूर ध्यान से देखें जो ए चला रहे हैं लोग ये ए जो आठ से दस हज़ार जो अलग कंपनियाँ वसूलती है जैसे कि आ, और भी कंपनी है आपको मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन टाटा में आपको इंश्योरेंस कराने का ऑप्शन है आप इंश्योरेंस करा सकते हैं और वे इंश्योरेंस सिर्फ मात्र पाँच हज़ार में एक साल के लिए हो जाता है तो पाँच हज़ार में जो इंश्योरेंस एक साल के लिए हो जाता है तो आपको जो 1.20000 लाख में करा करके अदर कंपनी दे रही है एक साल का इंश्योरेंस वही इंश्योरेंस आपको कंपनी जो है पाँच में एक साल का दे देती है तो जो इंश्योरेंस है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं आपको अगर जानना हो तो आप अपने मोबाइल पे सर्च करिएगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और जिसको भी इंश्योरेंस लेना हो वो कृपया कस्टमर केयर को कॉल करके अपने बारे में बताएगा ताकि हमको क्या क्या इंश्योरेंस चाहिए और किस किस टाइप का इंश्योरेंस चाहिए और मतलब कि उसमें एटीएम इंक्लूडेड होना चाहिए और इसमें ये आ, रिकवरी होती है कि आपका जितना भी मशीन का इक्विपमेंट है वो सारा रिकवरी होगा यूपीएस बैटरी एटीएम मशीन आपके पैसों की रिकवरी एड ऑन कवरेज में एक और आता है प्लान जिसमें दो सौ तीन सौ रुपये चार सौ रुपये ऐसे एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे तो आपके साथ मतलब जो आप बैंक से पैसा ले करके आ रहे हैं ए मशीन में कैश लोडिंग के लिए वो सारा पैसा जो है आपका रिकवरी हो जाता है इस जो जो कंपनियां हैं जो ट्रस्टेड कंपनियां हैं उनके बारे में बताऊंगा हालांकि इस फील्ड में बहुत सारी हैं जो इंश्योरेंस देती हैं तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूं आपके लिए ताकि आप उसको देखें और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलते हैं हम आगे और आपको बताते हैं कि कैसे इंश्योरेंस आपको कराना है और क्या क्या कवरेज होता है और कितना का इंश्योरेंस वो प्लान है और कौन सी कंपनी आपको जो कंपनी अच्छी लगे आपके पास में जो भी ऑफिस हो आप उससे ऑफिस पे जाकर के बाकायदे ये बता सकते हैं आपको सिंपली जो है गूगल क्रोम पे आपको ओपन करना है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि आप पॉलिसी देख ही रहे हैं ये आप जब सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसमें कई सारे आपको जो है ओपन होके आएंगे कि कौन कौन सा इंश्योरेंस है जैसे ये ये कंपनियाँ खुल के आएंगी तो मैं ट्रस्टेड का ही बताऊंगा जिसको आप आसानी से करा सकते हैं जिसमें क्या क्या बेनिफिट हैं क्या क्या कवरेज हैं किस किस तरीके का नुकसान का भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है आपके लिए तो जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बिरला का है बिरला आदित्य बिरला कैपिटल का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं इसमें क्या होता है कि ये चार हजार सात सौ रुपये का इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है चार हजार सात सौ रुपये का होता है और आपको कभी भी जाना है तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में यही बात करना है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपको करानी है आ, क्योंकि वो आ, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ए बहुत रेयर में ही कोई करवाता है ए को लेकर के क्योंकि ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे हिटाची करवाती है टाटा करवाती होगी एक दो मशीनों का जो अपना लोडिंग कराती थी और वक्रांगी कराती है इंडिया वन कराती है तो ये सब कंपनियां अपना डायरेक्ट कंसल्ट करके ये बल्क रूप में करवाती है तो इसलिए इनका हो जाता है लेकिन आप इंडिविजुअल हैं आप पर्सनल अपने लिए ले रहे हैं तो इनको बताना ज़रूरी होगा कि हमें एटीएम को लेकर के ऐसा ऐसा है अगर ये ये मुझे रिकवरी मिलेगी तो मैं आपसे कराता हूँ और मिलती भी है कई सारे फ्रेंचाइजियों ने कराया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में जो जिन बंदों ने कराया हुआ है इंश्योरेंस लिया हुआ है उनका भी सर्टिफिकेट मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या कवरेज है और क्या क्या उसका लाइवलिटी है तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज इक्विपमेंट इज़ कवर अंडर अंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसे कि कंप्यूटर जैसे होता है और जैसे कंप्यूटर सीधी सी बात है एटीएम जो मशीन होती है वो भी कंप्यूटर की ही तरह होता है वो भी एक कंप्यूटर ही है एग्जरी इक्विपमेंट लाइक डैट जैसे कि आपका मान लीजिए कि यू पी एस जाहिर सी बात है एटीएम में यू पी एस लगा रहता है वोल्टेज लगा रहता है वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा रहता है मॉडर्न भी होता है ट तो खैर खराब होने वाली चीज़ नहीं है बट हो सकता है कि वो वो तो कंपनी रिकवरी कर देती है ई में आपका ए को भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें और इसमें मेडिकल बायोमेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट सी जी कैट लैब एक्सरे मशीन ये सब जितनी मशीनें हैं सभी का होता है एम आर आई कैट ये सब तो ज़ाहिर सी बात है ए टी एम को बहुत भो, बड़ी भो, चीज़ नहीं है ये सारे मशीनों का इंश्योरेंस होता है और आडियो और विजुअल इक्विपमेंट्स का भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनर टेलीकम्युनिकेशन ये नेविगेशन इक्विपमेंट नेविगेशन मतलब जो आपको पता ही होगा दिशा वाला और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फॉर रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग के लिए जो भी आप इक्विपमेंट्स रखते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक में कवरेज होता है ये बिरला कैपिटल का है इंश्योरेंस पॉलिसी आप कृपया वीडियो को पूरा देखें पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बिरला देख लें और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएँ तो ये चीज़ें सही नहीं होगी कृपया वीडियो पूरा देखें व्हाट इज कवरेड अंडर कवरेड कवर्ड अंडर एंड 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 एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन पे अगर द कॉस्ट टू रिस्टोर इक्विपमेंट टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैन बी ये सब चीज़ें जो हैं uh, आपकी uh, जैसे मशीन ब्रेकडाउन होती है कुछ खराब होता है तो उसका भी इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रिमूबल डिवर्ट्स इट्स ऑल इंक्लूडेड कस्टमर ड्यूटी मतलब जो कस्टम कस्टम ड्यूटी जो लगती है कस्टमर नहीं कस्टम ड्यूटी जो भी उस पर टैक्स लगता है वो भी वो वेयर करेंगे अगर उस पर लगा होगा तो इफ़ एनी मतलब होगा तो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग डैमेज डाटा अगर कोई डाटा uh, डैमेज uh, होता है तो उसका भी हो सकता है इंकरेज कॉस्ट ऑफ नॉट वर्किंग जैसे कोई चीज़ें अगर काम नहीं करी तो उसका भी रिकवरी होगा दिस पॉलिसी कैन कवर डैमेज केस बाई एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर ये मतलब कोई नक्सलवाद हमला भी होता है तो भी इसका कवरेज होगा इट इज़ एक्सटेंशन इज रिक्वेस्टेड एट एडिशनल प्रीमियम इसमें एडिशनल प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको ठीक है कुछ कुछ प्लान में जो कि ऑलरेडी देते हैं इसमें आपको लेना पड़ेगा अलग से और वॉट इज़ नॉट कवर अंडर इलेक्ट्रॉनिक इक्वमेंट्स इंश्योरेंस जैसे कि फायर आग का जो है नहीं होगा और एयरक्राफ्ट डैमेज अगर होता है तो उसका नहीं होगा स्ट्राइक होगा तो उसका कवरेज नहीं होगा स्टॉर्म का नहीं होगा तो ये सब जो नेचुरल डिजास्टर हैं इन सब चीज़ों का नहीं होगा तो हालांकि मैंने ये बताया जो ये बिरला कैपिटल का इंश्योरेंस था बट मैं आपको एक और भी मतलब कई तीन चार मैं आज डिस्कशन करूँगा थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होगी पर आप देखिएगा ज़रूर इसको तो दूसरी जो है वो लाइबरेटी का है इंश्योरेंस जिसमें आप जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पता नहीं आपके बगल में ये ऑफिस होगा या नहीं होगा बट रिक्वायरमेंट्स बेनिफिट्स और सम इंश्योरेंस प्रीमियम ये चीज़ें हैं कवर्ड में देखिए कवर्ड क्या क्या करते हैं ये जैसे लाइब्रेटी जनरल इंश्योरेंस ये जनरल है लाइब्रेटी जनरल इंश्योरेंस है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर टू ऑनर्स ऑन इक्विपमेंट्स लेजर तो ये जो है मेरे हिसाब से पॉलिसी ये आपको भी नहीं समझ में आएगी मुझे भी नहीं समझ में आएगी तो इसमें जो क्योंकि इस इनसे मैंने बात किया था कस्टमर केयर पे तो इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था बट मैंने एक बार सोचा कि इस पर भी बना दूँ वीडियो तो ट्राई किया था तो इसका ना करवा करके क्योंकि जनरल इंश्योरेंस ऑफिस जल्दी मिलता भी नहीं है अब इफको टोक्यो आप सभी लोग जानते होंगे नाम इफको टोक्यो टोक्यो जो है पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी है व्हाट इज़ कवर आ, क्या, क्या क्या कवर होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे सभी चीज़ें लिखी होंगी कि टेररिज्म अटैक ऑल्सो कवर्ड सेक्शन ये सब देखिए कवर्ड क्या क्या जो इसका भी इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी है वो अड़तालीस सौ तो का है विथ जी के साथ दिस पॉलिसी इज़ डैमेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ये भी कवर करेगा दिस पॉलिसी ये कंसिस्ट ऑफ डेरिस सेक्शन ये भी आ, कवर करेगा तो इस तरीके से आप देखेंगे थोड़ा सा मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वाट इज कवर में देखिए वहाँ पे जो पिछला वाला था जिसमें नेचुरल डिजास्टर था जैसे बिरला सनलाइट में उसमें उसमें इन सब चीज़ों का कवर नहीं हो रहा था बट व्हाट इज़ कवर्स यहाँ पर देखिए कवर कर रहा है कि फायर एंड स्पेशल बेरलिस होगा तो उस पर आपका जो है कि कवर होगा अर्थक्वेक होगा एनी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है तो उसका कवरेज होगा और फॉल्टी डिजाइन फॉल्टी मटेरियल वो भी कवरेज होगा डैमेज ड्यू टू मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी तो इस पर भी आपका कवरेज होगा मॉइस्चर मतलब नमी वगैरह आ जाती है या फिर ज़्यादा गर्मी रहती है उस समय वो भी नमी की तरह होता है तो उस टाइम भी मशीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक uh, इक्विपमेंट uh, जो है खराब होते हैं तो उसका भी कवरेज होगा और डैमेज ड्यू टू फॉल्टी कार्ड केयरलेस मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं सब चीजें डैमेज होता है कुछ भी तो इसका भी कवरेज होगा और स्ट्राइक का भी देखिए इसमें uh, है कवरेज और आपका लॉस ड्यू टू थीफ और बर्गली तो इसका जैसे uh, चोरी हो जाती है तो चोरी मतलब कि आपका बैंक से जो कैश उठा करके ला रहे हैं मशीन में लोड करें उन पैसों की भी रिकवरी हो सकती है और मशीन की चोरी होती तो ऑलरेडी वो इंश्योरेंस है ये कंपनी ने करवा रखा है इस पर अगर आपकी बैटरी हो या कोई इक्वमेंट्स हो इलेक्ट्रॉनिक जो भी एटीएम में आपने लगा रखा है वो चीज़ें जो हैं कवर हो जाती हैं स्मोक मतलब धुआँ का भी हो जाता है और डस्ट ये सब चीज़ें टेररिज्म डैमेज भी इसमें कवरेज करता है तो आप इफको टोक्यो भी आप ले सकते हैं जो बहुत बढ़िया है अब नामी जो है आप हर कोई जानता है कि एच डी एफ सी अर्गो जो है ये इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस कवरेज देती है फॉर योर होम तो इसमें आप होम और शॉप दोनों के लिए ले सकते हैं बट बायदा आपको जा करके पहले उसको डिस्कस करना पड़ेगा अब इसमें भी देखिए कि क्लेम प्रोसेस विल भी ईजी मतलब ये सब चीज़ें हैं इसमें जो कि आप ले सकते हैं और जिसमें देखिए क्या क्या कवरेज करते हैं जैसे फायर से होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन होता है डाटा लॉस होता है रिस्टोरेशन होता है रिप्लेस होता है या पार्ट्स होते हैं इन सभी का ये कवरेज करते हैं व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड जैसे फ्लोड मतलब पानी उन्हीं से कुछ डैमेज होता है बाहा बाढ़ हो जाता है या ये सब चीज़ें आती हैं तो इस पर जो है ये कवरेज नहीं करेंगे ये कुछ लिस्ट हैं जैसे कि इस पर ये कवरेज आ, कवर नहीं करेंगे अब और भी हैं कंपनियां जो पूरा कवरेज देती है जिसे ओरिएंटल है ओरिएंटल बहुत ही अच्छी कंपनी है इसका भी आप जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आ, मैंने एक दो लोगों का इसी से करवाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो जो है इजी सूटेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फॉम एग्जाम्पल जैसे कि कंप्यूटर है ठीक है एलाइड आ, है तो इसका भी कवरेज करते हैं एक्सलरी इक्विपमेंट लाइक यूपीएस वोल्टेज स्टेबलाइजर इलेक्ट e ई ये सब का भी होता है एटीएम मशीन भी इसी में आएगा एटीसी मतलब यहाँ पे आप एटीएम मशीन इंक्लूड कर सकते हो उसमें यूपीएस बैटरी बी सीट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग का है ठीक है मेडिकल बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो आते हैं मशीनरी एक्सरे एम आई ये सब जो चीज़ें हैं इनका भी होगा जो सेम आपको मैंने पहले बताया था इसमें भी होगा ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल टेलीकम्युनिकेशन ये सब चीज़ों का जो है ये कवरेज करते हैं द टर्म्स इक्विपमेंट एंड इंक्लूडेड इंटर कम्प्यूटर सिस्टम ठीक है ऑफ सी पी यू की बोर्ड मोनिटर प्रिंटिंग स्टेबिलाईजर यूपीएससी टी सी द वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी कवर्ड अंडर द पॉलिसी के अंदर कवर होगा इट कैन ओवर मूवेबल एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्ुपमेंट ऑल्सो जो मूवेबल होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं जिसको लगा और हटा सकते हैं उनका भी कवरेज होगा इसको कवरेज दिस पॉलिसी इज डिडेड इंटू थ्री सेक्शन इन अंडर जैसे पहला सेक्शन है एक्सीडेंटल डैमेज इक्विपमेंट इंश्योरेंस ऑल रिस्क यहाँ पे देखिये ये आप कराइए आप ऑल रिस्क का ये आ, लेते हैं कि आपका बैंक से पैसा लेके आ रहे हैं लूट रहा है कोई कुछ छीने जपटी हो रही है उन सभी का ये जो है कवरेज करेंगे फायर लाइटिंग एक्सपोशन एयरक्राफ्ट डैमेज ठीक है तो इसमें आप देख पाएंगे आप खुद ही सर्च करिएगा वहाँ जा कर के बात करके आप करवा सकते हैं और आ, कोई जैसे कि एक मैंने बताया था आपको कि जो आ, नक्सल हमला होता है वो समझिए कि चोरी में आता है लूट चपेट में आता है डकैती में आता है उन सभी चीज़ों का जो है यहाँ से आप जो है रिकवरी करा सकते हैं तो ये चीज़ें हैं इन टू शॉर्ट कवर प्रोवाइडेड इज़ डैमेज केस बाई ये तीन सेक्शन में है तीनों सेक्शन आप उनसे पूछ लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे उनसे करवा लीजिएगा मैंने पहले सेक्शन के अंडर में करवाया है उनका तो अब ये वार्निंग क्या दे रहा है इंपॉर्टेंट इस द प्रिविएटिव मेंटेनेंस एग्रीमेंट वी फोर्स ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पॉलिसी फॉर ऑल इक्विपमेंट विद द सम इंश्योरेंस एक्सटेंडेड रुपीज वन लाख रुपीज तक का ये करेंगे अगर कोई चीज़ का डैमेज होता है तो आप जब एटीएम का दिखाएंगे अपना कोटेशन तो वो चीज़ें कम से कम साढ़े तीन लाख रुपए तक का वो इंश्योरेंस करते हैं तो इस तरीके से जो है आप ओरिएंटल का लीजिए मेरे हिसाब से और जो है बहुत अच्छी कंपनी है और लास्ट जो था कि आप कभी भी इंश्योरेंस कराएं तो जा के ही वहाँ से कराएँ ऑफिस से ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं एक बार जब आप ले लेंगे तो उसको ऑटो रिन्यू आप करते रहें क्योंकि ऑफिस वाले जब करेंगे तो आपका हर एक चीज़ें मिला मिला करके वो सारी चीज़ों को कर देंगे और आपको जो जो कवरेज चाहिए जब आपको उसको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप इंश्योरेंस कराएंगे और सारा इंश्योरेंस जितना भी मैंने बताया वो पाँच के अंडर में ही है इनसे ज़्यादा एक का भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो हमारे टाटा इंडिकास के एटीएम फ्रेंचाइजियों के लिए थी और भी लोग इंश्योरेंस कराना चाहें अपने घर का या कुछ भी तो इसके अंडर में आप करा सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ये हमारा इंश्योरेंस का वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता है थैंक यू